झारखंड के साहिबगंज जिले में लाख कार्रवाई के बावजूद भी प्रतिबंधित लॉटरी टिकट का गोरख धंधा लगातार फल फूल रहा है। बीते बुधवार की शाम को राधानगर थाना पुलिस ने करीब 15 लाख के अवैध प्रतिबंधित लॉटरी टिकट के साथ एक लॉटरी माफिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसका खुलासा गुरुवार को राजमहल इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने प्रेस वार्ता के दौरान की। उन्होंने कहा कि बुधवार को राधानगर थाना प्रभारी राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि राधानगर थाना क्षेत्र के हरिराम टोला समेत अन्य जगहों पर प्रतिबंधित लॉटरी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और भोले भाले लोगों को लाखों व करोड़ों की लालच देकर लॉटरी टिकट की बिक्री की जा रही है। उनकी कमाई से लॉटरी विक्रेता खुद मालामाल हो रहे हैं और उनकी गाढ़ी कमाई यूं ही लूट रही है। वहीं एक युवक के पॉकेट से काफी मात्रा में लॉटरी देखी गई, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राकेश कुमार ने एक छापेमारी टीम का गठन किया और छापेमारी टीम हरिराम टोला उधवा पहुंची, जहां एक युवक पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया। हालांकि उक्त युवक को पुलिस द्वारा रोका गया और पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मनीष कुमार बताया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से लॉटरी टिकट का बंडल और एक मोबाइल भी बरामद हुआ और पूछताछ के दौरान उसने अपने एक सहयोगी का नाम कुंदन कुमार बताया। वहीं मनीष कुमार के निशानदेही पर कुंदन कुमार के स्टोर रूम से लॉटरी टिकट का बंडल काफी मात्रा में बरामद किया गया। जब्त सभी लॉटरी टिकट की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपया आंकी जा रही है। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने बताया कि लॉटरी टिकट सार्वजनिक स्थान पर रखना और बेचना कानूनी अपराध है। उनके द्वारा एक लॉटरी विक्रेता को संदिग्ध अवस्था पकड़ा गया, जिसके पास से लॉटरी का बंडल बरामद हुआ और उससे पूछताछ की गई। उसके पूछताछ के बाद पूछताछ के आधार पर अन्य जगह एक कुंदन नाम का कुंदन साहा हरिराम टोला का उसके घर छापामारी की गई, वहाँ से भी लॉटरी का बंडल बरामद किया गया। बरामद लॉटरी की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख है। लॉटरी के कारोबार यहाँ अवैध है, प्रतिबंधित है, जिसके द्वारा सबसे सूचना के आधार पर हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे केस भी पूर्व में किए जा चुके हैं, आगे भी कार्रवाई।